नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर आपका कोई कमर्शियल बिजली कनेक्शन है तो इसे में आपको फिक्स चार्ज कितना लगेगा। देखिए, जैसे ही आप बिजली उपभोक्ता बनते हैं, बिजली कनेक्शन लेते हैं, वैसे ही बिजली विभाग आपको एक चार्ज जो है अमाउंट आपको वो लगाना शुरू कर देता है, जिसे फिक्स चार्ज कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई बिजली कनेक्शन लिया और बिजली का उपयोग नहीं कर रहे, वैसे केस में भी आपका एक अमाउंट होता है, इसको फिक्स चार्ज कहा जाता है, वो आपसे चार्ज करेगा बिजली। वो सभी के केस में अलग अलग होता है। सपोज कीजिए आपका अगर घरेलू बिजली कनेक्शन है तो उसमें चार्जेज अलग है, उसी तरीके से कमर्शियल है तो उसका चार्ज अलग है। अगर आप LTIS कनेक्शन लिए हुए तो उसमें चार्ज अलग, और भी टेरिफ है जिसमें फिक्स चार्ज जो है अलग अलग लगता है। सिर्फ फिक्स चार्ज जो है आपका कृषि के केस में, जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है उसमें नहीं लिया जाता है, उसमें जीरो है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कमर्शियल बिजली कनेक्शन अगर आपका है तो वैसे कैसे फिक्स चार्ज कितना लगेगा। देखिए, कमर्शियल बिजली कनेक्शन है, सपोज कीजिए कि अगर कोई बिजली कनेक्शन है कमर्शियल है आपका, तो वो हो सकता है कि आपका शहर में हो सकता है कि आपका वो गांव में हो या ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों के लिए जो है फिक्स चार्ज अलग अलग रखा गया है। इस वीडियो में हम लोग इसी को समझते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन होता है कमर्शियल केस में, उसे NDS 1B कहा जाता है। अब क्या हुआ है, डिमांड बेस्ड हो गया है, यानी आप 1 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं या 2 किलोवाट का कनेक्शन, आपकी इच्छा की है कि आप कितना किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। उसी तरीके से सेम केस है आपका शहरी क्षेत्र में, वह NDS 2D कहा जाता है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में आता है। वह भी आपका सेम केस है, आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितना इच्छा है उतना किलोवाट का आप जो है कनेक्शन ले सकते हैं। इसी चीज में क्या होता है आपका, यहाँ पे समझना है कि फिक्स चार्ज अलग अलग होता है आपका शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कनेक्शन है बिजली कनेक्शन, वो आपका कमर्शियल है और हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे और शहरी क्षेत्र। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो कमर्शियल कनेक्शन है वो है 60 रुपये प्रति किलोवाट प्रति महीने, और आपका शहरी क्षेत्र में है 300 रुपया प्रति किलोवाट प्रति महीने। उसको यहाँ पर समझते हैं, सपोज कीजिए ये इस तरीके से समझते हैं, ये हो गया रुपये आपका 60 रुपये पर 1 किलोवाट पर 1 मंथ, तो इस तरीके से भी आप सोचते सेम जो यही होगा, ये हो जाएगा आपका ₹300 प्रति पर, इसको बोल सकते हैं 1 किलोवाट पर 1 मंथ। इसका क्या मतलब है समझिए, देखिए अगर आप सपोज कीजिए कि 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन आपने लिया है ग्रामीण क्षेत्र में कमर्शियल के, तो आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा 1 महीने में 60 रुपये कि 1 महीने। सपोज कीजिए कि अगर आपका 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो 1 मंथ में आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा 120 रुपये। उसी तरीके से सपोज कीजिए कि 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो आपका 1 मंथ में हो जाएगा 180 रुपये। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, अगर पर किलोवाट का जो है 1 महीने में 60 रुपये लगता है। उसी तरीके से कमर्शियल केस अगर आपका शहरी क्षेत्र में है तो उसमें है 300 रुपया पर किलोवाट पर मंथ, यानी 300 रुपया 1 किलोवाट का अगर बिजली कनेक्शन है 300 रुपये लगेगा 1 महीने। सपोज कीजिए कि 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो 1 महीने में क्या हो जाएगा, 600 रुपया हमारा फिक्स चार्ज हो जाएगा, 600 रुपया 1 महीने। इस तरीके से सपोज कीजिए 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है तो 300 रुपया 900 रुपया हो जाएगा आपका फिक्स चार्ज 1 महीने। ये फिक्स चार्ज जो है, और एक चीज और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाला बात है, ये पर डे के बेसिस पे फिक्स चार्ज लगता है, पर डे के बेसिस पे डिवाइड रहता है। तो ये इसमें क्या होता है, क्योंकि बिजली बिल जो है हम आपका अगर साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात करें तो उसमें जो है बिलिंग जो है 1 मंथ में एक बार, यानी बिल जो है 1 मंथ है, इसीलिए जो है पर मंथ के हिसाब से इसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर 28 दिन में अगर बिल बना है, बिल जो है आपका मिनिमम जो है 23 दिन के बाद आपका बिल जनरेट हो जाता है, बिल बन जाता है। तो सपोज कीजिए कि अगर 1 मंथ में अगर 28 दिन के अंदर में ही बिल बना रहा है तो ऐसे केस में आपका फिक्स चार्ज जो है 60 रुपया से कम होगा या 300 रुपये से कम होगा। इसी तरीके से मान लीजिए 32 या 33 दिन का अगर बिल बनता है तो वैसे केस में आपका फिक्स चार्ज
ज्यादा होगा, 60 रुपये से ज्यादा होगा, 300 रुपये से ज्यादा होगा। सपोज कीजिए कि आपका बिल किसी कारण से है 2 मंथ में एक ही बार बना है, तो ऐसे केस में 2 मंथ का फिक्स चार्ज एक साथ आपके बिजली बिल में जोड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ों को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ऐसा करते हैं, आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बहुत है, आप देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत